हेलो एवरीवन वेलकम टू सुधासरा ट्यूटोरियल इस वीडियो में हम इग्नो बी एड एंट्रेंस टू ट्वेंटी टी मतलब प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसका एजुकेशन एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कशन करेंगे आंसर के साथ और चैनल में अगर नया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके तो चलिए दोस्तों चल करते स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस स्टार्ट so, करते हैं सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टोरी ऑफ माय लाइफ वाज रिटन बाय डैस स्टोरी ऑफ माय लाइफ का राइटर कौन है ऑप्शन सर मोरारजी देसाई अब्दुल कलाम विवेकानंद टागोर तो इसका सही आंसर क्या है मोरारजी देसाई ऑप्शन है इज़ द राइट आंसर इसका ऑप्शन है राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री वाज़ इंग्लिश पोइट्री का फादर कौन है जैसे कि सबका कोई ना कोई फादर होता है जैसे कि फादर ऑफ जेमोट्री फादर ऑफ एल्जेब्रा उसी तरह फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री वाज़ ऑप्शन सर जोफेरी चौसर शेक्सपियर वॉट्स ड्राइडन तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन ए जोफेरी चौसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में है क्या वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी सेकेंड मार्च ट्वेंटी फोर्थ मार्च ट्वेंटी थर्ड मार्च तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन बी ट्वेंटी सेकेंड मार्च तो वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी सेकेंड मार्च एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स हु एडवाइसेस द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कौन एडवाइस देते हैं लीगल मैटर में ऑप्शन सर अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एडवोकेट जनरल क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव में है द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ जीरो आवर इन द लोकसभा इज लोकसभा में जो जीरो आवर है मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ जीरो आवर तो उसका टाइमिंग कितना है जीरो आवर मतलब जब एक घंटा हो जाएगा तो वन आवर लिखा जाता है लेकिन जीरो आवर जो है जीरो और वन घंटे के बीच में मतलब यहाँ पर क्या है सिक्स थर्टी मिनट है और सिक्सटी मिनट है टू आवर है इंडेफिनाइट पीरियड है तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन है थर्टी मिनट होगा क्योंकि ये एक घंटे से कम है तो जीरो आवर में ये काउंट किया जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स में है नो अपील नो दलील नो वकील परफेक्टली सॉन्ग्स ऑफ हुई ऑफ द फॉलोइंग नो अपिल नो दलिल नो वकील ये तीनों को मिलकर कौन सा एक्ट किया गया है प्रस्तुत किया गया है तो इसका ऑप्शन सर रावलट एक्ट नॉन कोऑपरेशन मोमेंट, सत्याग्रह स्वदेश मोमेंट, तो इसका सही आंसर क्या होगा रावलट एक्ट नो अपील, नो दलिल दलील नो वकील तो इसका सही आंसर क्या हुआ ऑप्शन ए रावलट एक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन में है एलाइस इन वंडरलैंड वाज रिटन बाय डैश एलाइस इन वंडरलैंड एलाइस इन वंडरलैंड का राइटर uh, कौन है ऑप्शन सर जॉर्ज ऑरवेल लुइस कारोल चेस्टर बाउल्स सिंक्लेर लुइस तो इसका आंसर क्या होगा सही आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर लुइस कारोल क्वेश्चन नंबर थर्टी एट में है द क्वेश्चन आस्ट ओरली आफ्टर द क्वेश्चन आवर इन हाउस इज कॉल्ड आफ्टर द क्वेश्चन आवर क्वेश्चन आवर के बाद जो पूछा जाता है ओरली उसको क्या कहते हैं सप्लीमेंटरी क्वेश्चन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन ऑन स्टार्ट क्वेश्चन तो इसका सही आंसर क्या होगा सप्लीमेंटरी क्वेश्चन उसको कहा जाता है जो ओरली पूछा जाता है उसको सप्लीमेंटरी क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन में है आर्टिकल टू एट्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ डैश टू एट्टी आर्टिकल में क्या लिखा गया है फाइनेंस कमीशन इंफॉर्मेशन कमीशन और दो ऑप्शन है तो इसका आंसर मैं अभी बता देती हूँ क्योंकि बाकी ऑप्शन के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं टू एट्टी आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन के बारे में ये लिखा गया है फाइनेंस कमीशन बाकी जो दो ऑप्शन था इलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन ये दोनों में से कुछ नहीं होगा टू एटी एक्ट जो है वो सिर्फ फाइनेंस कमीशन क्वेश्चन नंबर फोर्टी में है वेयर इज़ द न्यू मोर आइलैंड सिचुएटेड न्यू मोर आइलैंड कहाँ पर है ऑप्शन सर अरब सागर इंडियन ओशन बे ऑफ बेंगल बे ऑफ म्यानर तो इसका सही आंसर क्या होगा न्यू मोर कहाँ पर है ऑप्शन सी बे ऑफ बेंगल में है ये जो आइलैंड है न्यू मोर आइलैंड वो बे ऑफ बंगाल में है 41 वन क्वेश्चन क्या है सी टेरिटोरी ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स ऑफ टू सी टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स ऑफ टू फोर नॉटिकल माइल्स ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स और फोर हंड्रेड नोटिकल माइल्स तो हमारा जो ये नॉटिकल माइल्स है वो हमारा जो सी टेरिटोरी है वो बहुत कम एरिया में है तो इसीलिए ये बी ऑप्शन मतलब ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स सी टेरिटोरी ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स टू ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू में है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज फाउंडेड बाय डैश वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज फाउंडेड बाय ऑप्शन सर क्लाउस श्वाब पाउल क्रुगमैन बिल गेट्स पीटर थेल तो इसका सही आंसर क्या होगा इसको याद रखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज फाउंडेड बाय ऑप्शन ए क्लाउस स्वाग ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री में है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन बेसिक एजुकेशन का जो ड्राफ्ट था इनमें से कौन उसको प्रिपेयर किया था तो उसका ऑप्शन सर साप्रू कमीशन शिक्षा सम्मेलन वार्धा राधा कृष्णन कमीशन और जाकिर हुसैन कमेटी। तो बेसिक एजुकेशन जो है उसका ड्राफ्ट को ऑप्शन डी मतलब जाकिर हुसैन कमेटी ने उसको बनाया था तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर में हाउ मेनी इनहेबिटेड आइलैंड्स आर दे आर इन लाक्षदीप लाक्षद्वीप में कितना इनहेबिटेड आइलैंड है ऑप्शन सा 17, ट्वेंटी फिफ्टीन टेन तो इसका सही आंसर क्या होगा टेन मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फोर्टी फाइव क्वेश्चन है इन हुईच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ हरियाणा डेड एग्जर्वेशन इंडिकेट फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन रिलिक्स। इन हुईच ऑफ़ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल साइट इसमें से जो हिस्टोरिकल साइट है इसमें से कौन सा है हरियाणा का जो इंडिकेट करता है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन को इंडिकेट करता है तो ऑप्शन सर राखी घरी सिसवाल रोहतक कर्नल तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए राखी घरी राखी गरी। तो इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फोर्टी सिक्स नंबर में है हु डिस्क्राइब्ड बल गंगाधर तिलक एज़ द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया इसको याद रखने के लिए एक अच्छा तरीका है मेरे पास हु डिस्क्राइब बाल गंगाधर तिलक आज द मेकर ऑफ़ मॉडर्न इंडिया किसने डिस्क्राइब किया था मतलब गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक को मेकर ऑफ़ मॉडर्न इंडिया के रूप में किसने डिस्क्राइब किया था देखो मेकर ऑफ़ मॉडर्न इंडिया एम एम है उसका आंसर भी एम में ही शुरू होगा उसका ऑप्शन से जी के गोखेल ऑप्शन बी महात्मा गांधी सी जवाहरलाल नेहरू डी बी सी पाल तो अभी Uh, आप सभी ने गेस uh, कर चुके होंगे कि आंसर क्या होगा मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया एम 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 ट्रिपल एम तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर महात्मा गांधी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन में इन व्हिच ईयर डेट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ए मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इन व्हिच ईयर did the industrial policy express the concept of a mixed economy for india options are 1948 1951 1954 1956 तो इसका सही आंसर क्या है आंसर याद है क्या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 1948 1948 इज़ द राइट आंसर मतलब ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48 में है ट्रांसलेटेड अथर्वैद इन पर्सियन ड्यूरिंग मोगल पीरियड मुगल पीरियड में अथर्वैद को किसने पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए थे तो इसका ऑप्शन क्या है इसका ऑप्शन है अब्दुल हमीद लाहौरी हाजी इब्राहिम शारिंदी खाती खान मालिक मोहम्मद जैसी तो इसका सही आंसर क्या होगा जो अथर्ववेद को पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए थे तो उनका नाम है हाजी इब्राहिम सरहिंद हाजी इब्राहिम सरहिंद इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हाजी इब्राहिम सरहिंद क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन में है दिग्बेद कंसिस्ट ऑफ डैश हिम्स ऋग्वेद में कितना हिम्स है वन थाउजेंड ट्वेंटी एट तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 1028 थाउजेंड ट्वेंटी हिम्स है हिम्स हिम्स जो भी है स्तोत्र इसको कहते हैं स्तोत्र ऋग्वेद में 1028 स्तोत्र है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डिजर्ट बायोलॉजिकल डिजर्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इसमें से कौन सा नदी को बायोलॉजिकल डिजर्ट कहा जाता है ऑप्शन सर ब्रह्मपुत्र गंगा दामोदर यमुना देखो बायोलॉजिकल डिजर्ट इसमें बी है और डी है देखो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर डी से ख़त्म हुआ तो इसका आंसर डी से शुरू होगा दामोदर बायोलॉजिकल डिजर्ट दामोदर ऑप्शन सी इज द राइट right आंसर इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी दामोदर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन है हु इज रिमेंबर्ड एज द पियोनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म हु इज रिमेंबर्ड एज द पियोनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म ऑप्शन सर विपिन चंद्रपाल गोखेल आर सी दत्ता मदन मोहन मालव्य तो इसका सही आंसर क्या है इकोनॉमिक नेशनलिज्म का जो पियोनियर है वो कौन है इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आर सी दत्तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू में है द फिफ्टींथ प्रवासी भारतीय दिवस फिफ्टींथ प्रवासी भारतीय दिवस टू थाउजेंड नाइनटीन वाज हेल्ड इन दो हजार उन्नीस में जो फिफ्टींथ प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था वो कहाँ पर हुआ था ऑप्शन सर लखनऊ आगरा प्रयागराज वाराणसी तो इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर क्या होगा वाराणसी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 में है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट्स वाज द रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ डैश एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट्स वाज द रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ डैश तो इसका ऑप्शन सर इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 टू 49 सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 53 और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 तो इसका सही आंसर क्या होगा ये तो डाइट है तो डाइट में कुछ तो नॉलेज होगा तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन नाइनटीन सिक्स ये सबको ये लग रहा होगा कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन होगा क्योंकि ये नहीं है क्योंकि हमें जो हमारा जो सर्टिफिकेट है सिटी का जो सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट में वहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन लिखा गया है पर यहाँ पर डाइट का जो रिजल्ट है वो रिकमेंडेशन किसने किया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में जो हुआ था वो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फिफ्टी फोर में है द रूलिंग डिनास्टी इन इंडिया ड्यूरिंग तिमो इनवासन वाज द रूलिंग डिनास्टी इन इंडिया ड्यूरिंग तिमरस इनवासन वाज ऑप्शन सर लोदी तुगलक शायद खलीजी खिलीजिए तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी तुगलक ऑप्शन बी तुगलक इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव में है व्हेन डिड कॉर्जन पास द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट कॉर्जन इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट को कब पास किए थे ऑप्शन सा नाइनटीन वन नाइनटीन थ्री नाइनटीन टू नाइनटीन फोर तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी नाइनटीन फोर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर तो ये था हमारा जो जनरल अवेयरनेस था उसका टोटल क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कशन यहाँ पर हो गया एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस अगर अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है अभी तक तो पहले अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेयर कमेंट करते रहिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद